गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आशा करूछि समस्ते बहुत ही बढ़िया थिबे और निजर भले भाव केयर भी नौथिबे। सब काम मोर सरला परे एबे जाउछि मो टुकटुक उठेकी रेडी करिबे। हाँ कोई जाने में जान नहीं लो मामा नियो टुकटुक को ब्रेकफास्ट खुआ खुआला पर मुझे स्कूल ले छाड़ी आसबि। लंच बॉक्स भी तार रेडी होगला। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ए जस्ट मुझे टुकटुक को छाड़ी आसली स्कूल। हस्बैंड कर देह मैंने कम्प्लीटली भल होनी एमती 60% भल आहरी 40% अच्छे थ्रोट पेन बॉडी पेन ये सब अच्छे। तो मुझे जस्ट आसली आई चा बनैली ब्रेकफास्ट आम दु जन करदेलु कान सका खाली पेटे एत कम कर सारा बेलू ना एत जोरी भोग लगुच तो से आगे ब्रेकफास्ट करुच्ची वन आवर छाड़ी दे चा पीछे तो हस्बैंड को इच्छा नहीं पीवापी तो जाऊँ एपट के बस कि चा पीबी तापर आसिक लंच रिपेरेसन करी तो ठीक अच्छे आगे चा पा पी सारे बाकी कम जहाँ करी। ब्रेकफास्ट कला मत ये टाइमटा मानने गोटे 10-15 मिनिट समय मिल जाए टी रेस्ट नापी तापर मुझे बनैबी लंच तो ये बसिक आराम से टी चा पीछे। आज आम लंच रे हम कलरा आलु भजा। देखते कितने बढ़िया अच्छे कलरा जाक आनी आम हाट रु बहुत छोट छोट एकदम देसी थी कलरा जाक तो सेटा आनी सहित आज मेथी साग पकई मुग डाली करी। मुग डाली को अलरेडी सीझे फुटाफुटी कर रखीदे खाली बा साग को फुटण कलापर डाली पकईकि सेटा टिके सुखिला सुखिला वाला करी सहित कलरा आलु भजा करी तापर आउ कौन करी देखी आपन को। तो कड़ी गरम है तेल पकईदेवि फुटण सुखला लंका पकईदेवि तापर रसुण छेचा शाग सब पकईकि भल भाव टी भाजीदेवि शागटा सीझा पर्यंत। शाग ये सीझीगला टी लुण पकईदेली आती आलु सीझा टी थी से पकईदेली आ मुग डाली थी से पकईदेली मुग डालीटा ना एक्चुअली मोर टे बेस सीझी जाइए आगे पानी भी हो जाए तो मानते मुझे भावुली सेमती है ठीक अच्छे टी आडजस्ट करके खाईद कौन करवा। तो ये मुझ कलरा आलू को काटिदे सिंपल बाला फुटण पकईकि बस भाजीदेवि ये मुझे इतनी रोसे कर सारापर हस्बैंड कहले कि पखाल खाइबे आईपाई बोली बट ये सब तो पखाल सहित एत भल लगे तो से पुणी आलु चटनी बनई थी तो देखते ये आमर लंच आज ये मिश्री नहीं कि आसते मिश्री पा पीबार था तो से मिश्री को मुझे बतुरी की रखिदे तो यहाँ मिक्स भल कि बतुरी गला मिश्री जाक से पा पीबे तार पिला माने करा क्रिकेट देखु देखु आमर चा पीवा सरीगला संध्या होगला तो जाऊँ टिके स्नाक्स बनैबी। तो आज भाबुची आज बीटरूट मो पाखे अच्छे तो भाबुची कि तार कटलेट टाइप रो बनैदेवि। ब्रेड को मुझे ड्राई रोस्ट करी माने तवारे किछि तेल पकईनि बस सेमिति ही ब्रेड को टिके भाजी दोउची टिके हार्ड होगले से भल भाव ग्राइंड हो तो से मो ब्रेड को ये रोस्ट कर दूची। ये मो बीटरूट को काटिकी रखिदे चाहिए बीटरूट को ग्रेट करके भी नहीं हम तो ये मो ड्राई ग्राइंडर जारे यू टे ग्राइंड करदेवि मैंने कोर्सली ग्राइंड करदेवि अल्प टिके पानी देखिए। ये मो पैन में टिके तेल नहीं प्याज को टिके बड़ बड़ एमती थिनली स्लाइस करटिदे सहित टिके कंचा लंका पकईकि हालाका टिके भाजीदेवि। भाजला पर यह देखो टिके पियाजर कलर भी चेंज हो जाए तो एबे ही मुझे टिके ग्रीन मटर ऐड कर दूची आउ जो बीटरूट को ग्राइंड करी तो सेटा को भी मुझे ऐड कर दूची। ऐड करके भल भाव को टिके कुक करवा ना बीटरूट जो र स्मेलटा आसले ना से भल लगे खाईपी आ मटर जो पकईचे से भल भाव टे कुक हाँ दरकार मानने सीझा दरकार। तो ये मु स्वाद अनुसार लुण पकईदेली भल भाव मिक्स करदेवि आ घोड़ी सब जिन टे सीझा पर्यटन छाड़देवि।
तो 4-5 मिनिट हो गला एबे मु एथिरे टिके जो आलु सिझा रखी थी आलु को सिझे रखी थी सेटा को ऐड कर देबे। ऐड करके भल भाव खाली मिक्स कर देबे। मिक्स कला मु एटा को काढ़ी देछि एटा माने एटा को रखी देछि एमते ठंडा हबा पई। तो ब्रेड क्रम्स भी मोर रेडी हो जाइला। मु एटा को गोटे बाउल ले ट्रांसफर कर दउछि। आउ एबे ए जोटा मिक्सटा मोर एबे पाखापाखि ठंडा हो आसलानी। एबे मु एथिरे धनिया पत्र काटिक पकईदेली। आउ एटा को एबे ब्रेड क्रम सहित मिक्स करदेवि। आ पैन ने मु एठी टिके तेल नहीं कि जो मोर मिक्सटा अच्छे सेटा को एबे सेथरे कुक करबी। एबे ना मु एथिरे ब्रेड क्रम्स भी मिसेई छी। आउ टिके सूजी भी ऐड करछी टिके भल क्रंची क्रंची टेस्ट आसपा पई उपरो। तो से पई मु टिके सूजी भी एथिरे ऐड करछी। तो एटा को एमते तेल देकि जस्ट टिके टिके एमते टिकी शेप्र बनेकि एटा को मु दुईटा साइड कुक करिया पई छाड़ देबी। तो दुईटा साइड भल भाव कुक हो गला। तो टिकी मोर एबे ऑलमोस्ट रेडी। आपण को जदि बीटरूट भल लगे तो एटा निहाती घरे ट्राई करिबे। आज वीडियो को मुझे एंड करुच्छे। पुणी देखा आउ गोटे वीडियो रे। वीडियो टी भल लगी प्लीज वीडियो को लाइक करिबे और मोर चैनल को सब्सक्राइब करिबे। थैंक्स फॉर वाचिंग।